राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों फिलहाल भाई गांव अलवास में और इस तब पीछे एक घर है उसमें भाई अरचिकारा पहले भी आए जो हम मदद करने खातर आज फिर भाई अलवास में पूछे हैं और जो सामान दे हैं वो अपने तो बेराए है भाई, तो अरचिकारा तब बात भी करवाएंगे और जो टीम के साथी हैं देखो आने लाग रहे हैं भाई, दिखा दे कैमरा मैन, तो कहूँगा दिखा दे जो है कैमरा एक बार चौकर दो घुमा दे भाई। ये देखो छात पर भी जो है भाई चढ़ के जो अपने बाण हैं बेबे हैं बुआ हैं वे देखने लाग रही हैं और ये रस्चिकारा भाई उस साइड जाने लाग रहे हैं और इस साइड भी भाई देखने लाग रहे हैं। ये आप देखो है तो गांव अलवास में भाई मौजूद है, अरचिकारा अपने साथ मौजूद है और पूरी टीम आ रही है भाई, पूरी टीम है वह दिखा दे एक बार कैमरा घुमा दे एक बार चौकर दो सारे के चेहरे दिखा दे कौन कौन भाई बैठा है और बस हो गया गर्मी बहुत ज्यादा भाई। हाँ भाई अड़न कर ले तो अरस भाई आप शुरुआत करो हो जैसे किते जाओ हो तो किस तरह तक आप द्वारा फोन आओ है मतलब आप किस तरह तक जो है घर देखो हो या फिर परिवार देखो हो तो उसके बारे में बताओ किसकी मदद करो आप। मदद के लिए सबसे पहले तो सुंदर भाई जैसे कि कॉल आती है अपना नंबर है उसके ऊपर कॉल आओगी, कॉल के बाद हम ये कहते हैं आप जो भी मकान की हालत है मकान के फोटो, माता पिता क्या करते हैं, भाई क्या करता है, माता पिता हैं या नहीं है, भाई है या ना है, वे चीजें सारी डिटेल व्हाट्सअप करवा लेते हैं जी। उसके बाद अंदाजा लगाते हैं कि इस घर के अंदर कोई भी कमाई का साधन नहीं है जी। इस घर के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो कमा सके, क्योंकि जिसको जवान बच्चा हो वो तो शायद कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेगा, जिसका पिता ठीक ठाक काम करने वाला वो भी एडजस्ट कर लेगा, तो इसी कारण से टोटल कुल मिला के उसके ये देखते हैं इसका कोई भी इनकम का साधन नहीं है, न इनका कोई आदमी कमाने वाला है, न इनका कोई काम धंधा है, न इनके पास कुछ गिरवी रखने को है जी। उस परिवार को सिलेक्ट करके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। रही बात कॉल की मदद की, आप ये मान के चलो 1000 कॉल डेली आती हैं और ना उठती, सारे फोन उठाए नहीं जाते, ना तो सारे फोन उठते, ना सबकी मदद कर सकते, क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा ओहदा नहीं है, हमारा छोटा सा भाईचारा है और इसके माध्यम से दिन में एक मदद हो जाओ दो हो जाओ जैसी भी हमारे से होती है उसको पुगाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी मदद भी आ जाती है, अजीत भाई हो गया या गीता बेबे होगी या ये जितने भी हमारे जो जानकार साथी बैठे, किसी जानकार का फोन आ गया, अब भाई मेरे गांव में या बात करनी पड़ेगी, मजबूरी है, और तो वो मजबूरी वाली जो है वह भी करनी पड़े, एडजस्ट करनी पड़े है। जैसे कि इस अब मैं आपको बता दूं 25 तारीख की 6 मदद हो ट्रैक की, अकेली 25 की, 23 तारीख की 3 हो ट्रैक की, 27 तारीख की शायद 3 हो ट्रैक की, इन तीन डेटा में तगड़ा सा आया है। इब आप सोच के देखो 6 छोरी ब्याना छोटी बात ना होती, याड बैठ के खाली बात बात करा हाँ, जब 6 जगह जावा जावांगे वह बहुत बड़ी बात हो जाए, और फिर भाई खाली हाथ हम नहीं जाते, हम कुछ न कुछ मदद करा हाँ, और मदद भी हम ठीक ठाक करा हाँ, औरों की तरह नहीं करते, अब छोटा है मदद करके दिखावा कर दिया, जैसा दिखावा करा ना उससे ज्यादा कहीं ना कहीं काम करा हाँ, यानी कि किसी के घर आ जावा तो उसका सारा लगना चाहिए, मेन बात यह है। बिल्कुल अरस भाई एक पोस्ट डाली थी आपने तो उसमें कही थी भाई मदद ज्यादा होने लगी और सारी जो अपनी बाण है इनकी मदद हमें कर नहीं सकते, तो कुछ ऐसा सलूशन बताओ जो भाई आप भाई दिन में तीना ही कर रहा हाँ तो पाचा की करने लग जावा, तो कुछ भाई एक कमेंट भी आ रहे थे पर्सनली मेरे ते जिस तरह के है आप वीडियो बनाओ तो उन्होंने सोचा कि सुंदर भाई पर्सनली जो हरस भाई ने जाना है तो मेरे द्वारा भी कॉल आऊँ है, तो उनने कुछ सुझाव दिए थे जिस तरह तक आप डबल बेड दो हो तो न भले भाई सिंगल बेड दोगे ना उसमें भी थोड़ा हा वो होगा, और आप दो हो जिस तरह 40,000 50,000 60,000 70,000 तो इसके जगह पर आप 20 से 25,000 रुपये दो ना तो उसके जगह पर एक बाण की शादी और न्यू तो एक चुंदड़ी ले गया 500 रुपये दे दिया कितनी बाणा की कर ले, न्यू काम ना चलता ना, वो समाज है, इस समाज के अंदर रीति रिवाज कुछ रस्में जरूरी होती हैं, ठीक है हम पढ़े लिखे हैं हम मानते हैं कुछ चीज़ें जायज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम समाज से अलग नहीं चल सकते, पढ़े लिखे के हिसाब से तो ये है लव मैरिज कर लो 1 रुपये का भी खर्चा कोई नहीं,
लेकिन जो समाज कट जाएगा भाई, समाज की कुछ रीति रिवाजें होती है, रस्में होती हैं, उसको ना तोड़ेंगे तो बेहतर होता है, उससे बाहर ना निकलेंगे तो बेहतर होता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं बताता हूँ। जैसे आपने कही बात, एक से ज्यादा मदद कैसे हूँ आप, अरे गाँव के अंदर सिर्फ 10 आदमियों की टीम बना दो, सिर्फ 10 आदमियों की जिम्मेदारी लगा दो कि गांव में किसी भी गरीब बहन बेटी की शादी होगी तो ये 10 आदमी मिलजुल कर सारे गांव में चंदा इकट्ठा करके या किसी भी तरह से कोई भी काम करके ये पूरा कर लेंगे। मैं गारंटी देता हूँ जब हरे गांव में टीम होगी तो हमारे जिसे की जरूरत कित पड़ेगी, किसी भी गांव में ना जानी पड़े, हमारी जिम्मेदारी हमारे ही गांव में तो लगेगी। हर गांव में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 10 आदमी मजबूत ना हो, हरे गांव में 10 आदमी मजबूत है। बात के एक दूसरे पर यकीन नहीं, भाईचारा नहीं रह रहा, जातिवाद का जहर ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण वे 10 आदमी इकट्ठे को ना होते। उसके बाद बात आती है एक और, आप कभी किसी गुरुद्वारे में जाना, गुरुद्वारे में हर वक्त 24 घंटे फ्री लंगर चलता पाऊगा, फ्री खाना दाना पाऊगा। ये काम मंदिर मस्जिद दा मोर करा दो, जो मंदिर है मस्जिद है वे हमारे लिए हमारे धाम ही तो होंगे, उन धामा के अंदर एक रीति रिवाज बना दो भाई, जिस भी बहन बेटी की शादी होगी गरीब की उसका खाना मंदिर मस्जिद की तरफ से होगा, मुसलमान उनका मस्जिद की तरफ से हो जाए, जिनका मंदिर लागे उनका मंदिर की तरफ से हो जाए। किस मारे बनाते हैं हम इनको, मंदिर भी एक आपको नहीं पता हो तो किसी भी मंदिर को उठा के देख लेना, वो ट्रस्ट होता है, उसके अंदर हम दान देते हैं। किस मारे देते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की शांति के लिए देते हैं, हमारे मन में ये रहता है ये हमारे पूजनीय सतल है। लेकिन उस पूजनीय सतल से जब बड़ा दुख होता है, किसी गरीब को किसी चीज की जरूरत हो, तब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते या वो हमारी मदद भी नहीं आता, क्योंकि जो वहां ट्रस्टी बना के बैठा रखे है ना, वो आप अपना घर बना रहे हैं, उनके तो हनुमान तो मतलब है कि शिव जी भगवान तो मतलब है, हमारी आस्था की वो जगह होती है, कम से कम हमारी आस्था के साथ आप चंदा इकट्ठा करते हो आस्था के नाम पे, तो उस चंदे ते अगर आप गरीब का भला करने लगे, आदमिया का आत्मविश्वास और आस्था उससे 10 गुना बढ़ जाएगी, दान देने वाले भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। हर गांव में मंदिर है, हर गांव में मस्जिद है, ऐसा कोई गांव नहीं जिसके अंदर माता मसानी खेड़ा नहीं है, क्योंकि बसाए उड़े इनके हैं, और जब बसासत इनकी है तो बच्चे भी उनके हैं और बच्चे उनके तो फर्ज भी उनका बना है। यो छोटी ही टेक्निक है, छोटी छोटी चीज है। जैसे कि मेरा मानना है कुछ चीजों को लेके, हम किसी भी गरीब के ब्याह में जाएंगे कन्यादान कर लाएंगे बहन बेटी का, अमीर का जाएंगे दिखावा करण थी 5111,000 कर लाएंगे, गरीब का जाएंगे छोरे ने भेज दें 100 रुपये का लाइए भाई, वो अमीर का तू 5100 की जगह तू 5100,000 गाल लेगा जब भी सारा ना लागना, और वो गरीब का वे 5100 दे देगा उसका सारा लाग जाएगा। सेम ऐसे ही जब कोई गरीब हॉस्पिटल में एडमिट हो, गरीब के चाहे अमीर भी हो, उसका जब बेरा लेने जाएंगे, हम साथ में केले के जाएंगे, फल लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, उसका बेरा लेने। अच्छा जो बीमार आदमी होता है वो ना तो फल खान पाऊगा ना जूस पीन पाऊगा, वो मुंह में लकी लगी पाऊगी, ऑक्सीजन की वाला की पाऊगी, कि तो कट्टा पट्टा पाऊगा, किसी को कुछ होया पाऊगा, तो वे चीजें उसके किसी काम की नहीं आती, वे कह तो डपड़ी पड़ी छड़ेंगी, कह उनका एक काम होगा, कोई दूसरा रिश्तेदार होगा, उन ठाकुन त्यादेंगे रुन तो उन। मेरा मानना यो है, अगर आप हरी बीमारी में हो, आप बीमार होते हो, आपका बेरा लेन 100 आदमी भी आवे हैं, और 100 के 100 आदमी 11,000 रुपये उस तरह नगद दिया हुए, ले भाई ये तेरी बीमारी के हैं, उधोरे 1,11,000 रुपये नगद हो गए, आधा ठीक तो अपने आप हो जाएगा, उधोरे इलाज के रुपये ना आगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनमें आप सुधार कर सकते हो, अगर उसमें सुधार करोगे तो समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और कोई सवाल? बिल्कुल। तो भाई, तो हर्ष भाई के नाम ले आप बार बार मको कि जो भी गरीब परिवार हो आप सब पहले मैं सांसद धर्म में लेनोड़ा का बुलाऊंगा, कोई आज लगाया है जी इस तरीके, कोई कोई नहीं आता, बाकी आ गान लग जाएंगे आगे तो मैं नाटूंगा वे आऊंगे, क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा और वे इन चक्रा में छकारा के बराबर में खड़े होगा, तब हवा बनाइयो दूर दूर थी तब ना मानस देखेंगे, और मैं बाट में हूँ मेरे एक बेथ्या थे सा हवा तो मैं अच्छी बना दूंगा। फिर हर्ष भाई और कॉमेंट आओ आपके पेज पर यूट्यूब चैनल पर भी, अगर हर्ष भाई है ना जो दही बढ़ावा देने लग रहे हैं और भाई रुपये इकट्ठे कर करके लुटने लाए, उनका बारे में क्या कहोगे? देखो भाई, सबसे पहले तो दहेज की बात ही को लेके आते हैं, हम दहेज को बढ़ावा देने वाली बात, हम दहेज देते नहीं, हम सिर्फ जरूरतमंद सामान देते हैं जो उस लड़की के काम आ सके, जैसे कि डबल बेड है, डबल बेड जो देते हैं वो उसी के काम आएगा। अब अलमारी देते, संदूक देते, उसके सामान रखने के काम आओगा, सिलाई मशीन देते हैं वो अपना उस तक कमा कर खा सके, सूट सीम सके, बर्तन देते हैं वो भी उसके निजी जीवन में काम आओगे, जो रुपये हम नगद देते हैं वो इस मारे देते हैं ब्याह में जो खाना दाना बना वो उन रुपया का बन जा, वो परिवार ने कितने कितने तो कर्जा ना ठाना पड़े, अगर वे कर्जा ठा भी रहे हैं
उस रुपया ने उल्टे दे दे, ठीक है। इस मारे होती इसमें दहेज का कोई सामान नहीं होता। अब कई समय क्यों हो जाए, फ्रिज आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए और आइटम आ जाए, वे हम नहीं देते भाई। आम जनता है, आम जनता का कुछ भी दे दे, हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मना अगर हम करांगे तो वे ये मानेंगे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे। आदमी जब खुश होकर कोई चीज लेके आता है तो सबका स्वागत होता है, कोई कुछ भी दे सकता है, दहेज को बढ़ावा नहीं दे रहे भाई। और जो आप सवाल कर रहे हो, आप एक पत्रकार हो, अपने पापा से ये पूछना, जब त्रीमा आई थी कि मैं लेकर आई थी, खाली हाथ आई थी, जब तो केवरा जापा हुए नहीं थे उस टाइम पे, तो बेरा सब न हो, अपनी माँ तबूझ लिए टाइम तो कोई सामान बचा हुआ, जब मेरा पाटा जी मैं बताऊंगा कून में जो पुरानी संदूक पाओगी, त्रिमा की नतरी दादी की पाओगी ऐसा आप ब्रोदर लेकर सब आवे हैं। कमेंट वाला ही बात करी सर, मैं आप कमेंट की जो बात कर रहे हो, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। समाज को हम जब सुधार सकते हैं, खुद में सुधार कराएंगे। मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मन्नत दहेज लिया कोई ने, मेरी शादी हुई, मैं साहब नाट गया था, मेरा चनाश हो रहा है, मेरे तक कुछ मत दे दियो। मैं प्राउड के साथ ये बातें कह सकता हूँ, दहेज लेना पाप है, ठीक है। तो भाई साहब बदलाव जब आता है, जब बदलाव हम खुद में करेंगे। यानी कि लोग ये सोचते मैं भगत सिंह बन गया, फांसी मेरी जमा दूसरा चढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आप भाइयों का भी।